वेलकम बैक टू सुपर मॉम्स रेसिपीज़ वंस अगेन। ब्रेड बेकिंग बहुत ही ट्रेंड में है, पर कुछ लोग ब्रेड इसलिए नहीं खाते क्योंकि जो मार्केट में ब्रेड मिलती है वो हाइजीनिक नहीं होती, पर उनका खाने का मन ज़रूर रहता है। तो हम घर पर ही ब्रेड बनाएंगे बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ, जिसमें हमें बहुत लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करना। एक बड़े से बॉल में 2 कप मैदा लेना है, मैंने ऑलरेडी छान लिया हुआ है। उसके बाद 3 चम्मच मैंने भर के डाले मिल्क पाउडर, 3 चम्मच भर के डाले चीनी के, और इसी के बीच हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच इंस्टेंट ड्राई ईस्ट और 1 छोटा चम्मच नमक का। और इन सब के बीच में हम डाल देंगे 1 कप गुनगुना पानी। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी बचा लिया है ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं उसको बाद में ऐड कर सकूँ। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि हम एक ही तरह की डो के साथ 2 तरह की ब्रेड्स बनाएंगे, वो भी इसी वीडियो में। और ये हमें कुल मिला के एक सॉफ्ट डो लगानी है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट डो नहीं लगानी। जितना हमने पानी लिया था वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। और इसी के बीच में मैं डाल दूंगी 1/4 कप टूटी फ्रूट्स, और इसी में हम डाल देंगे मेल्टेड बटर 3 चम्मच। ये प्लीज़ मेजरमेंट्स आप लिख लें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि घर में वेइंग स्केल नहीं है, तो इसीलिए आज की सारी वीडियो में मैंने सारा का सारा मेजरमेंट स्पून्स के साथ दी हैं। तो जहां मैं बड़े चम्मच की बात कर रही हूं वो है हमारा टेबलस्पून, यानी कि बड़ा वाला चम्मच, और टीस्पून का मतलब होता है छोटा वाला चम्मच। तो मैंने यहाँ पे ये सारा कुछ मिला के एक बहुत सॉफ्ट सी डो बना ली है, और जिसको हम अगले 30 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे, जिससे जो हमारी ब्रेड है वो उतनी सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पॉन्जी बनेगी। अक्सर लोग ब्रेड बेकिंग से बहुत ही डरते हैं, उनको लगता है बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस लेंथी है। हमें बार बार इसको प्रूफिंग में रखना होता है। अब मेरे यहाँ थी धूप अच्छे खासे वाली, तो मैंने इसको धूप में रख दिया। धूप में जो ईस्ट है वो अपना काम बहुत ही तेज़ी से करेगी। चलो दूसरी तरफ हम इनके मोल्ड्स को रेडी कर लेते हैं। मार्केट में ऐसे रिंग्स अवेलेबल रहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कटोरी को ग्रीस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जितना बड़ा आप कटोरी का साइज लेंगे उतना ही बड़ा हमारा बन बनेगा। और जैसे ही हमारे ये रिंग रेडी हो जाएं, तो मैंने यहाँ बेकिंग ट्रे में रख दिया है। और उसके बाद जो हमने अभी फॉइल लगाया ना, तो मैं फॉइल को भी बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ। अगर आप ये वाला सारा प्रोसेस किसी कटोरी में कर रहे हैं तो प्लीज़ कटोरी को ही ग्रीस करिएगा, उसमें आपको फॉइल लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमारी जो है वो ब्रेड का डो बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से राइस करा है। आप ये देखिए, अभी हम इसको पंच करेंगे, और पंच करने के बाद हम इसकी सारी एयर को निकाल देंगे। और किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के ना हम इसी डो को पटक पटक के मारने वाले हैं। ये स्टेप एक स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि ब्रेड्स बेक करने वाले लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। उसका रीज़न है कि जिस बंदे पर गुस्सा आता है वो कभी उस पर नहीं निकालते हैं, उसके साथ हमेशा हंस के बात करते हैं, और सारा का सारा गुस्सा ब्रेड के ऊपर निकाल दिया जाता है। इससे हमारी ब्रेड भी बहुत अच्छी बनती है और हमारी सोशल लाइफ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए, डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। पूरी डो के मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, 2 में से मैंने हाफ लिया है, और रबी के लिए मैंने 1 डो को साइड पे रख दिया है, और दूसरी डो में से हमने हाफ हिस्से कर लेने हैं, और इनकी भी हमने 2 लोइयां बना लेनी है। ये बहुत छोटी लोइयां नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 70-90 ग्राम्स के बीच की ये लोइयां रहती हैं। और ये ध्यान रखना है, आप जिस भी कटोरी में रख रहे हो या जिस भी रिंग में रख रहे हो वो सेंटर में रखना है, और कोशिश करिएगा साइज उतना ही रखिए जो बिल्कुल उसको चिपके नहीं, क्योंकि अभी हमने उसको वापस प्रूफिंग के लिए रख दिया है। और जो दूसरी तरफ हमारी डो बची थी हमने उसको अच्छे से फैला लिया है, बहुत अच्छे से हाथों से फैलाना है। अगर आप चाहें तो रोलिंग पिन का यूज़ कर सकते हैं, बेलन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ जैसे जैसे मैं स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ आपने एग्जैक्टली वैसे ही स्टेप्स करने हैं, और इसको हमने बहुत अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर सकते हैं स्टेज पे आप। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। बस हमने इसको अंदर की तरफ ऐसे ऐसे रोल करते जाना है, और रोल करते करते जब हमारा ये फाइनली पूरा रोल हो जाए, हमें इसको अच्छे से पिंच कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके 3 हिस्से काट लिए हैं, और इसको हम किसी भी केक टिन या फिर ब्रेड टिन के अंदर रख देंगे। और एक खास बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी भी टिन में ब्रेड बेकिंग करते हैं या बंस वगैरह बनाते हैं, दैट हैज़ टू बी नाइसली ग्रीस्ड, बहुत अच्छे से हमें थरली ग्रीस करना है। और उसके ऊपर मैंने वापस लगा दिया है यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल। इसको भी नेक्स्ट 20 मिनट्स तक प्रूफिंग के लिए रख देंगे। तब तक हमारे जो बंस है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, एकदम फूल गए हैं, इसका मतलब ये ओवन में जाने के लिए एकदम रेडी हैं। और उसके बाद हमने करा है इसको थरली मिल्क वॉश। अब मिल्क वॉश का मतलब ये है कि सिंपल दूध लो, ब्रश के साथ पूरे ऊपर टॉप पे लगा दो, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चेरीज लगा दी, क्योंकि हम स्वीट बंस बना रहे थे, और ये देखिए ये भी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। उसके बाद मैंने इसको भी मिल्क वॉश कर दिया है।
अब इनको बेक करना बाकी है। बेक करने के लिए हम इनको 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे लोअर रैक पे। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप यही प्रोसेस आप कढ़ाही में भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है। अब चीज़ों को कढ़ाही में कैसे बेक करते हैं, अगर आपको उसका डेमो चाहिए तो आपको मुझे कमेंट्स में लिखना होगा। आपको कढ़ाही या फिर कुकर में भी बेकिंग की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, बट मुझे आपके कमेंट्स की वेट रहेगी। तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए फॉइल को नीचे से मैंने ओपन कर दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे ही लगा हुआ था तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है। तो ये देखिए हम इसको ऐसे उठा के साइड्स पे रख देंगे और उसके बाद अपवर्ड साइड पे हम रिंग को खोलेंगे और नीचे की तरफ मैंने बन को प्रेस कर दिया। बहुत इजीली निकल जाता है ऐसे। और आप खुद ही बताइए कितने अच्छे बने हैं, एकदम फ्रेश मज़ेदार लग रहे हैं ना देखने में भी, बहुत ही टेस्टी थे खाने में भी। आप ज़रूर बना के रखिएगा। और इसकी बेस्ट पॉइंट ये है, हम इनको क्लिंग रैप करने के बाद फ्रिज में 5 to 7 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए हमारी स्वीट ब्रेड भी रेडी हो गई है। मैं बटर के साथ इसको ब्रशिंग कर रही हूँ। बटर या ऑयल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बंस में भी किया था, शायद वो स्टेप मैं बताना भूल गई हूँ। और इसके बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड हमने हमेशा जाली के ऊपर करना है। अब मेरे पास यहाँ पे केक रैक है तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ आप दूध की जाली के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी स्वीट ब्रेड भी रेडी कर ली है। लीजिए आप खुद ही देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी देखने में सुंदर लग रही है। मार्केट में ऐसी चीज़ें कभी मिल ही नहीं सकती। एकदम फ्रेश बिना केमिकल के ब्रेड आप भी घर पे बना सकते हैं। तो वेट किस बात की, जब रेसिपी आपके पास है, वीडियो सपोर्ट आपके पास है, तो फिर चलिए अपनी फैमिली को खुश करते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो खूब सारा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें सुपर मॉम्स रेसिपीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।